मूवी के स्टार्ट में हमें एक साइबर टाउन दिखाया जाता है जहां पर इस एरिया में लोगों के बहुत ज्यादा मिसिंग केस आने लगे थे। इसके बाद हम चिंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो वहां पर खड़ा किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट को देख रहा था और तभी हम यहां पर देखते हैं कि कुछ लोग चिंग के पीछे पड़े हुए थे। इन लोगों को पता था कि चिंग पहले आर्मी में काम करता था पर तभी हम देखते हैं चिंग के पास एक डॉक्टर की कॉल आती है। वो डॉक्टर चिंग को कहता है कि तुम्हारी बेटी का इलाज हमें 24 घंटे के अंदर अंदर करना होगा वरना हम तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकते। अब चिंग को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी अपनी बेटी के इलाज के लिए, इसलिए चिंग क्रेडिट बीट नाम की एक जगह पर जाता है जो इंटरेस्ट फ्री लोन देने का वादा करते हैं। यहाँ पर चिंग जब आता है तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सबसे पहले तो इसके लोन की अमाउंट पूछी जाती है और फिर इसके बारे में पूछा जाता है और यहाँ पर वो लोग इसे एक एग्रीमेंट भी साइन करवाते हैं जिसमें ये लिखा था कि अगर इसकी डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है तो ये इसके बॉडी को अपने मिशन में रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर चिंग के एग्रीमेंट को साइन कर लेता है। वहाँ पर हम कुछ और लोगों की आईडी को भी देखते हैं। अब जैसे ही चिंग यहाँ से जाने लगता है तो यहाँ पर एक आदमी अपनी रोबोटिक मशीन से चिंग की गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर ब्लैक सूट वाले आदमी इसको घेर लेते हैं। चिंग यहाँ पर उन लोगों से फाइट करता है मगर वो ब्लैक सूट वाले आदमी चिंग का अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। चिंग उन लोगों से फाइट करता है और फाइट करने के बाद वो यहाँ से जाने वाला था पर तभी चिंग की बॉडी में कुछ अजीब से म्यूटेशंस होती हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चिंग को इंजेक्शन लगाया जाता है और इसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट भी किया जाता है। इसके बाद चिंग को जब होश आती है तो वो खुद को एक बर्फीले जंगल में पाता है। तभी यहाँ पर हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि वो यहाँ पर कैसे आए हैं। इसी दौरान चिंग वहाँ पर एक ब्लैक कपड़े को देखता है। बड़ी हिम्मत से चिंग उस कपड़े को हटाता है। उस कपड़े के नीचे अलग अलग किस्म के वेपन्स रखे हुए थे। इन वेपन्स को देख कर सब लोग डर गए थे और इनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि इन वेपन्स को क्या करना है, इसीलिए अब वो सभी लोग एक एक वेपन ले लेते हैं। तभी अचानक से ये अपने रिस्ट पर देखते हैं जिस पर एक ब्रेसलेट था। उस ब्रेसलेट में 12 घंटे का टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी ये नहीं पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। पर तभी यहाँ पर इनमें से एक आदमी को अचानक से कोई मार देता है। जब ये लोग अपने पीछे देखते हैं तो इनके पीछे वही ब्लैक सूट वाले आदमी थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। अब ये लोग इनको देख कर यहाँ से भागने लगते हैं और ये ब्लैक सूट वाले आदमी भी इनका पीछा कर रहे थे। अब यहाँ पर चिंग इन लोगों का सामना करता है और एक एक को मारना स्टार्ट कर देता है। चिंग यहाँ पर इन लोगों से फाइट करता है। इनके ग्रुप में से एक लड़की नीचे गिर जाती है जिसको ब्लैक सूट वाला आदमी पकड़ने वाला था, पर तभी इनके ग्रुप में से एक और लड़की जिसका नाम ऐना है वो अपने तीर से उस आदमी को मारती है और उस लड़की को बचा लेती है। ये सभी लोग उन ब्लैक सूट वाले आदमियों का मुकाबला करते हैं पर तभी यहाँ पर एक ब्लैक सूट वाला आदमी इनके एक ग्रुप मेंबर को मार देता है। तभी हम देखते हैं चिंग के अंदर अजीब सा कुछ बदलाव हो रहा था और वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। इसके बाद इनकी फाइट करने की स्किल और ज्यादा बढ़ जाती है और ये लोग यहाँ पर ब्लैक सूट वाले आदमियों को मार देते हैं और फिर ये यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इसके बाद ब्लैक सूट वाले आदमी भी इनका पीछा नहीं करते और ये लोग भी एक जगह पर रुक जाते हैं। इनमें से किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार इनके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं पर तभी यहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। इसके बाद फिर दोबारा से इनका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। वो क्रिएचर इनमें से एक आदमी को मार देता है। जब क्रिएचर इनके सामने आता है तो सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। क्रिएचर ऐना पर अटैक करता है मगर वो तो उसके अटैक से बच जाती है। ये क्रिएचर वहाँ पर दूसरे आदमी को मार देता है। तभी जल्दी से चिंग ऐना की हेल्प करने आता है। वो दोनों क्रिएचर के सामने बिल्कुल खामोश खड़े हो जाते हैं जिसके बाद वो क्रिएचर उनको नोटिस नहीं कर पाता। अब चिंग यहाँ से इस क्रिएचर को दूर लेकर जाने वाला था पर तभी इनके ग्रुप में से जो ग्लासेस वाला आदमी था वो नीचे गिर जाता है। क्रिएचर उसके पीछे था।
चिक उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट कर अपने पीछे लाता है और वो भागना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो एक जगह पर बिल्कुल खामोश खड़ा हो जाता है, जिसके बाद क्रिएचर दोबारा से उसको नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन इसी वक्त एक आदमी जो इनके ग्रुप का था और वो भाग रहा था, भागते भागते उसको सांस चढ़ गया था, वो हाँप रहा था। तभी क्रिएचर इसकी आवाज से उसकी तरफ चला जाता है। अब क्रिएचर उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया था। इस क्रिएचर को देखकर उस आदमी की हालत तो खराब हो गई थी और बाकी सब लोग भी बहुत ज्यादा डर गए थे, और वो क्रिएचर एक ही झटके में उस आदमी को मार देता है। अब जिन बाकी लोगों के पास आता है वो सबको खामोशी से यहाँ से निकलने का कहता है, जिसके बाद सभी लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं और एक सेफ प्लेस ढूंढने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो क्रिएचर अभी भी इनके पीछे आ रहा था, पर तभी हम देखते हैं इन लोगों को एक कंस्ट्रक्शन साइट मिलती है। ये सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं, पर इनमें से जो ग्लासेस वाला मोटा आदमी था उसकी पैंट एक पाइप में फंस जाती है और क्रिएचर ने भी इनका पीछा करते हुए इनको ढूंढ लिया था। वहाँ पर चिंग उस मोटे आदमी की पैंट काट देता है और वो खुद को भी इस क्रिएचर के अटैक से बचा लेता है। एना अपने तीर से उस पर अटैक करती है, मगर वो पाइप लगने की वजह से क्रिएचर अंदर नहीं आ पाता और अब वो पाइप्स पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर चिंग वहाँ से सबको भागने का कहता है। भागते भागते मोटा ग्लासेस वाला आदमी नीचे गिर जाता है। अब ये लोग बहुत ज्यादा थक गए थे और एक जगह पर बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। ये लोग सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। ये सोच रहे थे कि जिस चीज ने इन पर अटैक किया था वो कोई मॉन्स्टर था या कोई और चीज थी। पर तभी चिंग यहाँ पर सबसे कहता है कि उसको जेनेटिक म्यूटेशन से शायद बनाया गया हो। एना सबको कहती है कि हमें नहीं समझ आ रही कि हम लोग यहाँ पर आए कैसे। तभी मोटा ग्लासेस वाला आदमी उनको बताता है कि मैं क्रेडिट बिट नाम की एक जगह पर गया था और इसके बाद सीधा मैं इस जगह पर आ गया हूँ। इसके बाद इनके ग्रुप का एक और आदमी इनको बताता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तभी एना को याद आता है कि उसने ब्लैक सूट वाले आदमियों की गर्दन पर एक टैटू देखा था और वो सभी को ये टैटू बनाकर दिखाती है। ये टैटू देखकर इनको पता चलता है कि ये तो एक इन्फिनिक्स कंपनी का लोगो है। और तभी हम देखते हैं कि इस कंपनी में इन सभी लोगों को एक जगह पर रखा हुआ है और इनकी बॉडी से कुछ डिवाइसेस को भी कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर ये बात हमें पता चलती है कि ये लोग जो जंगल में फंसे हुए हैं ये असल में अपनी बॉडी के साथ नहीं है, इनकी बॉडीज तो यहाँ पर है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस कंपनी की सीईओ आती है, वो सभी मेंबर्स की कंडीशन के बारे में पूछती है। उसकी टीम मेंबर के लोग उसको बताते हैं कि एना की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ चुकी है और इन सब लोगों में चेंग सबसे अलग है, क्योंकि वो काफी देर बाद बेहोश हुआ था। अब उसके मसल्स के साथ साथ उसका ब्रेन फंक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये सुनकर वो सीईओ बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर ये सभी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, मगर इनको रास्ता नहीं मिलता। ये सभी लोग थक जाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर बैठ कर ये सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये सभी अपने बारे में बताते हैं। इसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं उस कंपनी के सीईओ ने इन लोगों पर लगातार नजर रखी हुई थी। वहाँ पर सीईओ अपनी टीम से सेकंड टेस्ट स्टार्ट करने का कहती है और अब इनके पास 6 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। जिस जगह पर ये लोग मौजूद थे वहाँ पर बिल्डिंग टूटने लगती है और फिर ये सभी लोग एक जगह पर फंस जाते हैं, जिसके इर्द गिर्द से सारी जगह टूट जाती है और तभी अचानक से वो जगह फैलती है। ये सभी लोग एक दूसरे को बचा रहे थे। अब जैसे ही चिंग यहाँ पर अपने ग्रुप मेंबर की एक लड़की को बचाने लगता है, वो लड़की अपने दूसरे ग्रुप मेंबर के हाथ पर पांव रख देती है, जिसकी वजह से वो आदमी नीचे गिर जाता है। वो लड़की इन सब से कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी ये जगह और ज्यादा हिलने लगती है और वो लड़की भी नीचे गिर जाती है। अब ये सिर्फ 3 लोग जिंदा रह गए थे। यहाँ पर चिंग के बाद नोटिस करता है कि ये जगह हर 5 सेकंड बाद हिलती है। अब चिंग यहाँ पर मोटे ग्लासेस वाले आदमी से कहता है कि हम इस साइड से दूसरी साइड पर जंप कर सकते हैं या नहीं। जब वो कैलकुलेशन करता है तो वो बताता है कि यहाँ से दूसरी साइड पर जाना इम्पॉसिबल है, मगर चिंग उस क्लासेस वाले आदमी से कहता है कि हमें ये रिस्क लेना होगा। वो आदमी उसको कहता है तो फिर तुम 35 डिग्री का यूज कर जंप कर सकते हो। अब चिंग यहाँ पर ये रिस्क लेता है और जंप कर फ्लोर पर आ जाता है। ये देख कर एना और वो क्लासेस वाला आदमी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चिंग इन लोगों के पास एक वायर फेंकता है, एना तो वहाँ पर फ्लोर पर आ जाता
जाती है और वो ग्लासेस वाला आदमी जंप लगाने से बहुत ज्यादा डर रहा था। मकर चिंक उसको हिम्मत देता है ये काम करने की कि तुम कर सकते हो, पर तभी जिस क्लिप के साथ वायर लटकी हुई थी वो टूट जाता है और वो ग्लासेस वाला आदमी नीचे गिरने वाला था, पर तभी चेंग उसको पकड़ लेता है और एना ने पीछे से चिंक को पकड़ा हुआ था, मगर उसने भी अपने पांव के सहारे से उसको पकड़ा हुआ था और उस ग्लासेस वाले आदमी को भी पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर उस आदमी को अचानक से कुछ हो रहा था, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था, वो उनके इंजेक्शन को और ज्यादा सहन नहीं पा रहा था। मगर इस कंपनी की सीईओ कहती है कि और ज्यादा इंजेक्शन लगाओ। वो आदमी चिंक से कहता है कि मुझे जाने दो, अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो हम सभी लोग मर जाएंगे। चिंक उस आदमी को बचाना चाहता था, वो पूरी कोशिश कर रहा था उसको बचाने की, लेकिन अचानक से उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ ही देर में ये पूरी जगह गिरने वाली थी। एना अब चिंक को यहाँ से भागने का कहती है। वहाँ पर पुलिस को क्रेडिट पीट जगह के बारे में पता चल जाता है और उनको वहाँ से एक सिग्नल मिला था जो इन्फिनिक्स कंपनी में जाकर गायब हो गया था। इसीलिए पुलिस को अब ये शक था कि लोग जो गायब हो रहे हैं इसमें इन्फिनिक्स कंपनी का ही हाथ है और ये कंपनी किसी न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना चाहते हैं और हो सकता है उसी सीईओ ने अपनी रिसर्च के लिए लोगों को गायब करवाया हो। हम कंपनी में सीईओ को देखते हैं जो नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करने को कहती है। ये यहाँ से अपने दो लोगों को चिंक और एना के पास भेजती है। वहीं पर एना का पाँव बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, तभी चिंक उस पर एक कपड़ा बांधता है। फिर चिंक अपना बॉक्स ढूंढने लगता है, वही बॉक्स जो एना ने उठा लिया था वो उसको देती है। यहाँ पर चिंक उसको बताता है कि ये बॉक्स मेरी बेटी ने दिया था और वो बताता है कि मेरी बेटी को एक बीमारी है जो कि जेनेटिक लंग्स डिजीज है। ये सुनकर एना भी वहाँ पर इमोशनल हो जाती है। चिंक कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। इनके पास दोबारा से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है जिसमें अब सिर्फ 2 घंटे का टाइम बचा हुआ था। ये लोग देखते हैं कि इनके पास बहुत ज्यादा ब्लैक सूट वाले आदमी आ गए थे और ये जल्दी से एक बिल्डिंग में भागते हैं और वो दोनों पिलर्स के पीछे छुप जाते हैं। अब ब्लैक सूट वाले आदमी जैसे इनके पास आते हैं ये दोनों उन पर अटैक करते हैं। चिंक यहाँ पर इनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। उन सबसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और हमें मारना क्यों चाहते हो, पर तभी वो दो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं जिनको सीईओ ने भेजा था। वो दो लोग जो इनके पास आए थे उनमें से लड़का चिंक को कहता है कि तुम लोग फाइनल राउंड में पहुँच गए हो। चिंक को कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, तभी उनमें से वो लड़की कहती है कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है तो तुम्हें हम सबको मारना होगा। अब चिंक जैसे ही उस ब्लैक सूट वाले आदमी को मारता है उसकी बॉडी अजीब तरह से गायब हो जाती है। ये देखकर चिंक और एना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चिंक यहाँ पर अपनी स्किल से एक एक आदमी को मार देता है। वहीं पर दूसरी तरफ एना उस लड़की से फाइट कर रही थी जिसको सीईओ ने भेजा था, मगर वो लड़की एना पर भारी पड़ रही थी, मगर फिर भी एना उस लड़की का मुकाबला कर रही थी। वो लड़की इसको इंजर्ड कर देती है। चिंक ने तो यहाँ पर ब्लैक सूट वाले आदमियों को सभी को मार दिया था, पर तभी इन दोनों की हालत खराब होने लगती है। तभी दूसरी तरफ वहाँ पर कंपनी में सीईओ का एक असिस्टेंट उससे कहता है कि हमें यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए क्योंकि उन दोनों की हालत खराब हो रही है, मगर सीईओ उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाए, पर तभी उन दोनों की रिस से काउंटडाउन खत्म हो जाता है। ये देखकर वो सीईओ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उन दोनों ने सभी राउंड्स को पार कर लिया था और अब उसको अपने मिशन के लिए परफेक्ट चिन मिल गया है। इसीलिए वो उन दोनों को अब वापस बुला लेती है जिनको उसने भेजा था। इसके बाद सीईओ इनके पास आती है और इनको जेनेटिक रिसर्च में पास होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है, लेकिन असल में यहाँ पर उस सीईओ का 3D इमेज था। वो कहती है कि मुझे अगर एक परफेक्ट जेनेटिक मिल गया तो इसकी हेल्प से मैं लाखों लोगों की जिंदगियों को बचा सकती हूँ। यहाँ पर उसको कहता है कि तुमने सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे इनोसेंट लोगों को मार दिया। एना यहाँ पर गुस्से में इस पर अटैक करने जाती है, पर तभी इसकी कंडीशन यहाँ पर खराब हो जाती है। अब यहाँ पर वो सीईओ चिंग से कहती है कि तुम एना को मार दो और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बाद तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो। वो कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ, जिसके बाद वो चिंग को 1 मिनट का टाइम देती है। एना यहाँ पर चिंग से कहती है कि तुम मुझे मार दो और तुम अपनी बेटी को बचा लो। इसके बाद चिंग को ये बात समझ आती है कि वो
लोग जिस दुनिया में है वो तो असल है ही नहीं। वो तभी वहाँ पर ऐना को लेकर कूद जाता है, जिसके बाद वो असल दुनिया में दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। फिर चिंक यहाँ पर खुद को और ऐना को यहाँ से आजाद करवाता है, पर तभी सीईओ के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग दोनों यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस की फोर्स भी यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर उस सीईओ के लोग दोबारा से इन दोनों को घेर लेते हैं। अब सीईओ दोबारा से चिंक को ये ऑफर करती है कि वो उसकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर देगी। चिंक यहाँ पर अचानक से चेंज हो जाता है और सीईओ का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। चिंक तभी अचानक से उनसे गन खींच लेता है और वहाँ से जो इस कंपनी के सीईओ थे भागने लगती है, पर तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर पुलिस चिंक और ऐना को भी अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उस कंपनी के सीईओ को अरेस्ट कर लिया गया और वो एक गैर कानूनी तौर पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और अब इसकी कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इसके बाद 6 मंथ के बाद हम साइबर सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हम चिंक की बेटी को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और ऐना उससे मिलने आई है, क्योंकि उसने अभी तक अपने फादर को नहीं देखा था, वो अपने फादर से नहीं मिली थी। ऐना उसको कहती है कि तुम दुखी मत हो, तुम्हारे फादर तुमसे मिलने जरूर आएंगे। पर तभी इसके बाद हम यहाँ पर चिंक को देखते हैं जो कि एक व्हीलचेयर पर है। इसने अपने ऊपर प्रोटोन टेक्नोलॉजी को यूज किया था और उसने अपनी बेटी को ठीक कर दिया था और इसके बाद चिंक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दूसरी तरफ हम चिंक की बेटी और ऐना को देखते हैं जो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।